नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। 19 जून रविवार की शाम 5 बजे डायल 100 को दो बच्चे लावारिस हालत में खेड़ापति कॉलोनी में घूमते मिले, जिसकी सूचना डायल 100 द्वारा विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रधान आरक्षक अनिल सिंह तोमर को दी गई, जिन्हें विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा शिशु गृह गुना में प्रबंधक नरेंद्र धाकर से बात कर उन्हें सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद इसकी पूरी जानकारी बाल कल्याण समिति गुना को दी गई। आपको बता दें कि एसपी पंकज श्रीवास्तव एवं एडिशनल एसपी विनोद कुमार सिंह चौहान द्वारा इस तरह के कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कई बच्चे घर से गायब हो जाते हैं या फिर गुमशुदा हो जाते हैं, उनको खोजकर उनके माँ बाप से मिलवाया जा रहा है, जिसमें विशेष किशोर पुलिस इकाई की विशेष भूमिका रहती है। सोमवार को आज दोपहर करीब 12 बजे के बाद माँ बापों को उनके बच्चों को सौंपा गया। इसके लिए पूरी प्रक्रिया के साथ उन्होंने माँ बापों को हिदायत भी दी कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आज हमारे साथ हैं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य वगैरह। हम उनसे बात करेंगे कि कल जिस तरह से दो बच्चे खेड़ापति कॉलोनी में मिले थे किशोर विशेष किशोर पुलिस इकाई को, उन्होंने बाल कल्याण समिति के द्वारा के निर्देश पर उन्हें शिशु वार्ड में लाया गया और आज उनको सुपुर्द किया जा रहा है उनके माँ बापों को। और हम बात करेंगे हमारे साथ सतीश अरोड़ा जी, उनसे बात करेंगे क्या था पूरा मामला। मैं सतीश अरोड़ा, सदस्य बाल कल्याण समिति जिला गुना। कल सूचना प्राप्त हुई विशेष किशोर इकाई द्वारा, जो 100 डायल द्वारा विशेष किशोर इकाई को सूचना मिली कि दो बच्चे घूमते हुए इन्हें मिले। उसके पश्चात उन्होंने बच्चों को बाल कल्याण समिति को सूचना दी। विशेष किशोर इकाई ने बाल कल्याण समिति द्वारा उन बच्चों से जानकारी लेकर, लेकिन बच्चों द्वारा पूरी पुख्ता जानकारी नहीं दी गई। उसके पश्चात बच्चों को माँ स्वरूपा आश्रम में रात्रि में रखा गया। रात्रि में बच्चों के पिता को पुलिस द्वारा ये जानकारी मिली तो रात्रि में फोन आने के पश्चात बच्चों को अब दिन में माता पिता को सुबह बुला लिया गया है और बाल कल्याण समिति के द्वारा, विशेष किशोर इकाई पुलिस के द्वारा साथ में मिलकर एक सहयोग से बच्चों को माता पिता के सुपुर्द किया गया एवं काउंसलिंग की गई बच्चों की कि आगे से इस तरीके से घरों से ना जाएं बच्चे, और माता पिता की भी काउंसलिंग की गई कि बच्चों का विशेष तौर से ध्यान रखें। और हमारे साथ हैं विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रधान आरक्षक, उनसे बात करेंगे। कल दिनांक 19 रविवार को दो बच्चों के मिलने की सूचना मिली थी खेड़ापति कॉलोनी में, ये लावारिस हालत में घूम रहे हैं, जिनको सुरक्षार्थ शिशु गृह यहाँ हॉस्पिटल परिसर में लाया गया और बाद में बाल कल्याण समिति को इसकी सूचना दी और उनके आदेश से यहाँ पर इनको रखवाया गया। रात में बाल कल्याण समिति के माध्यम से इनका पता लगाया गया और रात में 11 बजे इनके परिवार को सूचना दी गई, विशेष किशोर इकाई द्वारा सूचना दी गई। आज दिनांक 20 जून को इनको बालकों को उनके माता पिता के सुपुर्द किया जा रहा है और समझाइश दी गई कि बच्चों का ध्यान रखें और बच्चों को इस तरह से कहीं भी घूमने ना जाने दें, और बाई चांस कभी ऐसा होता है तो सबसे पहले अपने स्थानीय थाने में इसकी सूचना दें। आप देखिए, आज इन बच्चों को बाल कल्याण समिति द्वारा उनके माँ बाप को सुपुर्द कर दिया गया है और माँ बाप को भी हिदायत दी है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, और क्योंकि अब विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा इन बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे बच्चे जो कहीं घूमते हुए मिलते हैं या ट्रेन में चले जाते हैं, उनको सूचना मिलने पर बरामद कर उनके माँ बाप को सुपुर्द किया जाता है। इसी क्रम में आज बाल कल्याण समिति द्वारा भी शिशु वार्ड में इन बच्चों को उनके माँ बाप को उससे मिलाया गया। और हमारे साथ हैं उनके उनके पिताजी हैं, उनसे बात करेंगे। एक मिनट। मैं जीतू वाल्मीकि, मेरे दोनों बच्चे कल वार्ड में से गोल थे, वो बाल किशोर समिति से मुझे प्राप्त हुए। अब आपको अपने बच्चे मिल गए कि आप अपना ख्याल रखें, बच्चों को कहीं बाहर ना जाने क्योंकि आजकल माहौल बिगड़ रहा है, ऐसे में आप लोग अपने बच्चों का ख्याल थोड़ा रखा करें। मैं अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखूंगा, क्योंकि मैं ड्यूटी करता हूँ, रात को 11:30 बजे आता हूँ,
माँ भी उनकी ड्यूटी पर जाती है, सुबह 5 बजे 10 बजे आती है। तो माँ ये बच्चे दोनों माँ के अंदर खाना पका रही थी, माँ बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो दो तीन चार बच्चों के साथ मोहल्ले के साथ निकल गए, तो तीनों बच्चों अपने अपने घर आ गए, मेरे दोनों बच्चे नहीं आ पाए घर पे। तो अब आपको कैसा लग रहा है, ये बाल कल्याण समिति और विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा आपके बच्चों को ढूंढ के लिए आए, आप इनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? मैं बाल किशोर समिति से कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बच्चों को मेरे हवाले किया, सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इस मौके पर प्रधान आरक्षक अनिल सिंह तोमर एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सतीश अरोड़ा के साथ सदस्य भी मौजूद थी, ठीक है।